आना होगा। हरीम, हरीम। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये ना सारा सामान, ये सब किस लिए? भाई क्या मतलब ये सब किस लिए है? नासिर की वालदा है, फिर उसकी बहन है, फिर उनके कुछ खवातीन रिश्तेदार भी हैं, उन सब के लिए मैं गिफ्ट्स ले आया हूँ। नासिर के लिए वॉच है, एक शेविंग किट और कलोन भी। भाई यही सब रिवाज होता है ना, कुछ अनोखा थोड़ी किया है। भाई रस्म और रिवाज तो लड़की की पैदाइश के वक्त उन्हें जिंदा दफनाने के भी थे, बदल गए ना, तो फिर ये फजूल रस्म क्यों नहीं बदल सकती? अरे बेटा, माँ बाप औरों के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के लिए ये पापड़ बेलते हैं, समझते क्यों नहीं हो? मम्मी, बेटी की ख्वाहिश इन चीजों से वाबस्ता ना हो, फिर भी आप लोग झूठी नुमाइश करने पर इसरार करेंगे। रूफी भाई, खुदा की कसम, अब अगर आपने इस फजूल सी रस्म पर अपनी रकम खर्च की तो मैं शादी से ही इनकार कर दूंगी। अरे नासिर को भी समझा दीजिए, अगर मुझसे शादी की ख्वाहिश है तो इन दीगर ख्वाहिशात से हाथ उठाना होगा। अम्मी, आपने नासिर या दुर्दान आंटी कॉल के बारे में हरीम को तो कुछ नहीं बताया? बहुत अच्छा किया। कभी कभार इन नापसंदीदा चीजों को कारपेट के नीचे कर देना ही बेहतर होता है। बेटा, तुमने खाने का ऑर्डर कर दिया? हाँ, चिकन बिरयानी है, मटन कोरमा है, मीठे में खीर है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स है और चाय का भी इंतजाम कर लिया। खर्चा हो गया होगा तुम्हारा। बस अम्मी, तुम्हें अपना खिराज तो वसूल करती है, और कभी कभार अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी इज्जत देखनी पड़ती है। सीरियसली, वो लड़की जिससे फाइज ने हमें मिलवाया था, वही लड़की? और अब उस लड़की की वजह से ना एक बहुत बड़ा पर्दा होने वाला है मम्मी और फाइज के दरमियान। I can't believe it. फाइज ऐसी लड़की को पसंद भी किस तरह कर सकता है? तो क्या लाइक वो उस लड़की को हमारी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है? Well, babe, you better believe it. फाइज ना बचपन से ही थोड़ा यहाँ पे उसके कुछ अजीब सा, इसी वजह से डैडी और मैंने ना कभी भी उसे बिजनेस में इंक्लूड नहीं किया। सॉरी टू से, लेकिन आप तो कभी भी उसे बिजनेस से बाहर ही रखे तो बेहतर ही होगा। तो अब क्या होगा, उसकी मदद करेंगे? नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट। सी दिस पैंडोरास बॉक्स, आई जस्ट वांट टू कीप इट क्लोज। द प्रॉब्लम इज जो भी हुआ ना, सफर हम दोनों ने करना, इट्स जस्ट टू केयर अबाउट। Let's go to our honeymoon. Have a good time. वापस आकर देखते हैं, we'll deal with the entire situation. मम्मी जाने और फाइजा, to be honest, पता है मैं ना तो मम्मी की नजरों में जन्नत वाला चाहता हूँ और ना ही फाइज की नजरों में। Sounds like a good plan. जान, एमी तो डैडी इतना बड़ा बिजनेस संभाला हुआ, लोगों को और सिचुएशंस को दोनों को डील करना जानता हूँ। I know. You and Papa will get along. Hope you बिल्कुल ऐसे ही। I really hope so. I really hope so. ये सब क्यों किया भाई ने? मामूली सी तकरीब पे इतना खर्च, जबकि इस पोजीशन में भाई बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम करीम, कैसे हैं आप? शुक्र आपने मेरा फोन उठाया। करीम, दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन मेरी मम्मी ने जो कुछ भी किया, ऑनेस्टली जाने दीजिए, रात गई बात गई। मैं खुद भी आपका फोन इसीलिए रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उस तकलीफ दे मौजू पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। ओके, हम किसी और मौजू पे बात कर सकते हैं। Something that makes you happy, जो आपको खुश करे। जी कहिए। क्या हम मिल सकते हैं? अरे आप, हो सकता है मैं फोन पे आपको अपनी बात बेहतर ना तरीके से समझा पाऊँ, तो हम मिल लेते हैं, शायद वो बेहतर होगा। मना मत कीजिएगा प्लीज। आप मुझसे मिलना चाहते हैं? खैरियत, क्या मैं जान सकती हूँ कैसी क्या बात है? जी, कल शाम। कल शाम? कल शाम को तो ओके बाय। हेलो, आती हूँ। अच्छी तरह जानते हो फैज कि इस घर में मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये तुम्हारे डैडी जो इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं ना, एक्चुअली इनको मैं चलाती हूं। तुम क्या समझते थे कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम कोई फैसला करोगे और उसे इस घर में कबूल कर लिया जाएगा? अभी मुझे आपके खिलाफ जाके कभी भी खुशी महसूस नहीं हो सकती, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है। क्या आप मेरे खिलाफ नहीं, ये जो लोग हैं ना मम्मी, ये माल मवेशी नहीं है कि इनकी लगामें थाम के इनको कंट्रोल किया जाए। ये लोग हैं, लेट देम फ्री। कैप्शा बेगम, क्या आपको यकीन है कि यही मामला है? शक की कोई गुंजाइश नहीं है फरकान, 100% यही मामला है। मुझे फायज ने बहुत मायूस किया है, लेकिन हार मानने वाली मैं भी नहीं हूं। वो लड़की शेख खानदान का हिस्सा तो नहीं बन सकती, ये बात तो तय है। और बाकी मामलात कैसे तय करने हैं ये मैं देख लूंगी। कैकशा बेगम, असल में बात ये है, दौलत जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। जब इसकी रोशनी किसी की आंखों में पड़ती है ना, तो वो अंधा हो जाता है। उस लड़की की आंखों में भी फाइज की दौलत की रोशनी पड़ी है और वो अंधी हो गई। और फाइज उसकी मोहब्बत में, लेकिन अकल के अंधों की बिनाई लौटाने मुझे खूब आती है। अब क्या करना है? जो भी करना मैं ही करूंगी। वो आसमान पर कमर डालकर चांद पर चढ़ना चाहती है ना, उस कमंद को फांसी का फंदा बना दूंगी। हाँ भाई, आप कर सकती है। बेटा, तुमने फाइज और उसके घर वालों को तो इनवाइट किया ना? फाइज हमारी फैमिली का एक फर्द है,
बल्कि उससे भी ज्यादा। बाबा मैंने उसको जानबूझ के इन्फॉर्म नहीं किया। वो बिला वजह तोहफा तवायफ लेके पहुंच जाता है और मैं आराम से उसको शाम में एक सरप्राइज कॉल देके इन्फॉर्म कर दूंगा। और जहाँ तक उसकी फैमिली की बात रही तो वो थोड़ी मुख्तलिफ सोच के लोग हैं और आप तो जानते हैं उनके लिए क्लास डिफरेंसेस कितने मायने रखते हैं, इसलिए मुझे लगा कि हम अपनी छोटी सी रस्म में उनको ना ही बुलाएं तो बेहतर होगा। ठीक कह रहा हूँ, बट मैं फाइज को इन्फॉर्म कर दूंगा, आप फिक्र नहीं करें। बहुत समझदार है मेरा बेटा तौफीक साहब। कुसुम, कुसुम जी। बेगम साहिबा, जमान से को गाड़ी निकाले में आ रही हूं। जी अच्छा। आप कहाँ जा रही हैं? हमने भाई भाभी के साथ दावत पे जाना था। कुछ हिसाब किताब का मामला है, हिसाब बराबर करके आती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे। वैसे लगे नजर आ रहे हैं। दिख रहा है। क्यों ना हो भाई, पला पला है नौजवान खूबरू बच्चा अपना दे रही हूँ, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा अम्मा,
हरीम को वो अंगूठी में खुद पहनाऊंगा अपने हाथों से। अरे इतने मॉडर्न हो गए हम। माँ प्लीज ना, आप उसकी अम्मी अबू से बात करें, वो आपकी बात पर नहीं डालेंगे। हाँ भाई ये तो सही बात है, आने वाली को कौन टाल सकता है। या अल्लाह, अच्छा भाई तो दाना बेगम ये दिन भी देखना, मजनू बेटे की माँ बनने का तजुर्बा भी होना था मुझे। इशको जा बता क्या कि दूल्हे मियाँ को चोचले सूझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस भरी महफिल में लड़की के साथ रोमांस करूंगा। हाँ तो सही कह रही हूँ, जा बोल क्या। अरे बोल क्या, मैं कह रही हूँ। जानती हूँ मैं तुम्हें बचपन से कितना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से ही मैं इस घर में आया करता था। अब तो मैं बताऊंगा किस तरह तुमने मुझे पागल बनाया हुआ था, दीवाना बना के रखा हुआ था। इस तरह की बात मत करना प्लीज। क्यों ना करूं, आवाज खो रहा हूँ तुम्हें देख देख के। मुराद कल से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या मुराद भाई तो सिरे से वहां गए ही नहीं। इनफैक्ट दो दिन से तो फोन पे भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब से जबस कदम वाली लड़की के पैर मेरे घर पे पड़े हैं, मेरा तो हंसता बसता घराना ही लुट गया है। जानते नहीं हो क्या मुराद को, ड्रामा है वो, झुकाना चाहता है मन्नत को। साथ मुझे मुराद ने बहुत डिसअपॉइंट किया, मुझे उससे ना इस पुस्तरी की उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ क्या कह रही हैं? देखने आई हूँ कि मेरा बेटा जिन गलियों की खाक छानता फिरता है, वहां पर धूल और मिट्टी के अलावा तो कुछ नहीं मिलता। मम्मी जिन्हें आप खाक और धूल कह रही हैं ना, वो हमारी तरह के इंसान हैं। किसी का मोहल्ला या घर उनका किरदार नहीं डिसाइड करता। मुझे अच्छा लगा आप यहाँ तक आई। प्लीज अंदर आइए। I'll see you inside.
बिल्कुल वक्त पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? बस अल्लाह के फजल करम से नाशने हरीम के लिए रिश्ता भेजा था तो हमने एक छोटी सी रस्म रख ली। थैंक यू सो मच आंटी फॉर कमिंग। अम्मी अब्बा देखकर आपको बहुत खुश होंगे। थैंक यू आपने हमारी छोटी सी रस्म में अपनी शिरकत रखी। तुम्हारी ये छोटी सी खुशी में शामिल होकर मुझे तो बहुत बड़ी खुशी मिली है। बहुत सुकून मिल रहा है। जी आप बैठिए ना, मैं खाना लगवाता हूँ। फाइस आ जाओ, अब मुझे मिलाता हूँ। मुबारक जोड़ी तो कुदरत ने बहुत मुनासिब बनाई। खुशी का मौका है, ये रख लो। मुझे वैसे भी इतने दिनों से बहुत अफसोस हो रहा था कि जैसा भी काम तुमने किया तो उजरत तो बनती थी। मुझे अंदाजा है कि तुम कितनी उम्मीदें लेकर आई थी मेरे घर में, और मैंने तुम्हारे काम के साथ साथ तुम्हारी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। कुछ खराश देना पड़ेगा ना, तो ये लो रख लो। सॉरी आंटी, मैं नहीं ले सकती। मामला बिजनेस डील का हो या जाती खुशी का, हर शख्स एक अपना मयार रखता है। कुछ चीजें मायार पर पूरी नहीं उतरती, फिर चाहे वो इंसान हो, गिफ्ट हो या कागजी नोट, कोई शर्म आने नहीं लगती। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई मुझे। मेरे लिए इतनी खुशी काफी है। आप ये वापस रख लीजिए। और हाँ, हमारी दावत का खाना जरूर खा कर जाइए। हम गरीब हैं लेकिन बाज़र्फ और रवैदार हैं। बहुत मुबारक हो आरीन, मेरी दुआ है कि आने वाली जिंदगी का हर पल आपके लिए बहुत खुशगवार साबित हो। बहुत शुक्रिया। सुना है जोड़े आसमानों पे बनते हैं, कौन किसके नसीब के साथ जोड़ा जाता है ये हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन जो हमारे इख्तियार में है वो ये है कि जो हमारे दिल के करीब हो हम उसकी खुशी में शिरकत करें और उसके लिए दुआ गो। मैं दुआ करता हूँ आप हमेशा खुश रहें। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो आप मुझे पुकार सकती हैं। आप मुझे अपने साथ खड़ा हो पाएंगे। बेखबर मैं तो गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से। सुन ले तेरी
हर खुशी के लिए ये जहां बार तू मैं तेरे नाम से हमें नहीं है किसी से मतलब किसी को भी जानते नहीं है फना जो होना भाई क्या बातें कर रहे थे तुमसे मुबारक बात दे रहे थे काफी तवील मुबारकबाद थी वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम डरती क्यों हो इतना लोगों से काश आज हमारी मंगनी ना होती इतने पागल ही होते जी यार आपको कभी भी मेरी जरूरत हो आप मुझे पुकार सकती हैं आप मुझे अपने साथ खड़ा हो पाएंगी हेलो हेलो मेरी जान जानता था मैं तुम मेरी कॉल के मुंतजर होगी जी देखिए ये जो लम्हे होते हैं ना ये सिर्फ मोहब्बत करने वालों के हिस्से में आते हैं मैं जानता हूँ तुम कहने से झिझकती हो कतराती हो लेकिन तुम मेरे सामने कोई भी बात कर सकती हो मैं बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ तुमसे आखिर को हम एक दूसरे के दमसाज हैं हमराज हैं सही कह रहा हूँ अच्छा अब ये बेजा शर्मो हया में इन खूबसूरत लम्हों को जाया मत कर देना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं मुझसे मेरी जिंदगी में कभी इन बातों की कोई जगह ही नहीं बनी बहुत बामल और मसरूफ जिंदगी रही है मेरी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जितनी जल्दी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर होगा कि जिस लड़की से आपका रिश्ता होने जा रहा है वो किस तरह की सोच रखती है क्या हर बार मेरी मोहब्बत को मेरे जज्बात में ठुकरा देना लाजमी होता है अगर मैं इतना बेताब हूँ इतना बेकरार हूँ तो उस जज्बे की जरा सी लौकिया तुम्हारे अंदर नहीं है आज जैसे तुम्हारा हाथ पकड़ के मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई थी क्या तुमने कुछ महसूस नहीं किया था बहुत अरसे के बाद आज दिल को सुकून और खुशी महसूस हुई है अब खैर से हरीम अपने घर की हो जाए तो मजीद मुतमईन हो जाऊंगी मैं हासिल नासिर बहुत अच्छा लड़का है क्या हुआ दारा आंटी ये मंगनी के बाद देकर गई क्या है जहेज के सामान की लिस्ट लो भाई ये तुम दोनों के शगुन के जोड़े देख लो जोड़ों के लिए बहुत शुक्रिया बाजी लेकिन हम माँ बेटी को बहुत शिकायत है तुम लोगों से मेरी हुस्ना का दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने मुझे पता है मैं जानती हूँ मुझे तो जब ही समझ आ गई थी जब तुम लोग मंगनी पे नहीं आए लेकिन मेरी बहन देखो ना मैं क्या करूं तुम तो जानती हो जब औलाद जवान और मुंह जोर हो जाए तो वालिदैन मजबूर हो जाते नासिर के लिए ना मेरी हुस्ना ने एक से बढ़के एक रिश्ता ठुकराया अरे खाला क्या हो गया भला हुस्ना को रिश्तों की कमी थोड़ी है और आ जाएंगे
तो और क्या? हाँ हाँ, बहुत मिल जाएंगे मेरी हुस्ना को रिश्ते। अरे आखिर को उसके हिस्से में अपने बाप का छोड़ा हुआ एक फ्लैट और दो दो दुकानें आई हैं। लोग तो ऐसी लड़कियों के ऊपर जान छिड़कते हैं जो इतनी दौलत लेकर आए। ये तो हुस्ना ही है जो नासिर के पीछे पागल हुए जा रही थी, उसी के ख्वाब सजाए बैठी थी। बड़ी भूल की हुस्ना ने। अरे वो तो खैर तुम्हें पता है, रुपए पैसे का लालच तो मुझे बिल्कुल नहीं। अल्लाह का दिया सब कुछ तो है मेरे पास, और फिर माशाल्लाह मेरा बेटा कमाओ, जो चाहेगा ले लेगा। बस हुस्ना से कहना मेरी मजबूरी थी, उसे बहुत प्यार देना और बहुत दुआ कहना, खाला प्यार दे रही थी बहुत। बहुत अच्छी तरह समझती हूँ बाजी तुम्हारी मजबूरी को, चलती हूँ। अरे खाला क्या हो गया, क्यों नाराज होके जा रही हो? अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ, खाना खा के जाना। भाई हुस्ना घर में अकेली होगी, जा रही। अरे छोड़ो ना, आप क्या बहनों का रिश्ता खराब हो जाएगा इस बात पे? हटो, चल जा जाके कढ़ाई गोश्त बना, जल्दी उठ जा। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल तैयार आपका ऑर्डर। ठीक, थैंक यू। आप रहने दे, मैं कर लूंगी। अरे बेटा क्या कुछ करोगी तुम, छोटी सी नाजुक सी लड़की हो और कितना बोझ डालोगी इंसानों के ऊपर। जब तक इस घर में हूं आपको कोई बोझ नहीं उठाने दूंगी। जीती रहो खुशी। आपको चेकअप के लिए जाना है, याद है ना बेटा? फिलहाल इस इलाज को ना उससे पुष्ट डाल दो, तुम्हारी शादी के बाद देखेंगे, बिला वजह के खर्चे करने के हक में नहीं। मेरी शादी इस घर की परेशानी का बाइस क्यों बन भी जा रही है? इस कदर अहम हो गई कि आप अपने इलाज से हाथ उठा रहे हैं? देखो बेटा हरी, तुम कुछ भी कहो, दुनिया देखती है कि माँ बाप ने रुखसती के वक्त क्या दिया। और बेटा मैं नहीं चाहती कि कल को तुम अपने ससुराल में गर्म सर्द बर्दाश्त करो, न जाने उन लोगों ने क्या कुछ सोच रखा हो। सच सच बताए, क्या दुर्दाना आंटी ने आपसे कुछ कहा है? अरे वो ना भी कहे बेटा, हमें भी तो तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। अम्मी मैं तिनको जैसे सहारों की काई नहीं, और मैं जहेज के नाम पर अपने घर वालों को, अपने प्यारों को इस बेतू के बदसूरत बोझ को नहीं उठाने दूंगी। रही बात मुस्तकबिल की, तो मैं किसी की लालच को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हेलो, जी ठीक है, ओके। अम्मी मैं ये ऑर्डर दे के आती हूँ। कल आप अचानक से किधर गायब हो गई थी? आपने बाजवाज का डिनर ही मिस कर दिया, सच अ फैबुलस डिनर। और आपको पता है सब आप ही के बारे में पूछ रहे थे। जो दावत मैं अटेंड करके आई हूं वो तो मुद्दतों याद रहेगी। तो पता है रूफी की बहन हरीम की मंगनी हो गई नासिर से। Really? She got engaged? और बहुत जल्द शादी होने वाली है। मेरे तो सर से बोझ उतर गया, वरना तुम्हारी शादी के दिनों में इस लड़के ने मुझे बहुत टेंशन दी थी। Yeah. ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। तो फायज इस लड़की में इंटरेस्टेड था? फायज तो मासूम है, वो लड़की उस पर डोरे डाल रही थी,
लेकिन मैंने भी ऐसी लगामें कसी कि सारी होशियारी हरण हो गई। उसे उसकी औकात याद दिलाकर घर से निकाल दिया था मैंने, इसीलिए समझ गई ना कि उस जैसी लो लेवल की लड़की के लिए बिलो एवरेज नासिरी ठीक है। मम्मी हाय।